हेलो एवरीवन। तो देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, शाम हो रही है और बारिश का मौसम हो रहा है। तो मैं सोची कुछ प्लांट्स में वापस से रिपोर्ट कर लो। 3-4 दिन हो गए मेरा रिपोर्टिंग का ही चल रहा है बस। अब ये मेरे हैं कैना लिली और काफ़ी इनके पप्स निकलते हैं, तो एक ही पॉट में काफ़ी सारे हो गए बिल्कुल। अब इसमें स्पेस नहीं है और आई थिंक मिट्टी भी नहीं बची है, तो इनको भी मैं रिपोर्ट कर लूँ। और इसके लिए मैंने अपनी मिट्टी रेडी कर ली है, बस इसमें अब मैं खाद डाल देती हूँ और इनको मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। ये प्लांट ना, इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आते हैं, बड़े बड़े साइज़ के। मेरे वाले में तो येलो कलर के आते हैं, वैसे भी काफ़ी कलर के होते हैं। तो नहीं, ऐसे ही पत्ते। तो ये इसके नहीं है ना, पप्स निकालता है, पप्स के थ्रू मल्टीप्लाई होता रहता है। अब मैंने कहीं से, मेरे को किसी ने लाके सिर्फ एक देखो, सिर्फ ये, सिर्फ इतना ये लाके मेरे को दिया था। इससे मैंने इतने सारे लगा लिए, एक हीरा पूरा और ये यहाँ पर भी लगे हुए हैं। बाकी मैंने इसे मल्टीप्लाई करते करते कम से कम 3-4 पोर्ट में कर लिए हैं। अब मैं इसको कम से कम नहीं तो 5 या 6 पोर्ट तो मैं इनके बनाऊँगी अब, क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है, बरसात का मौसम है और इस मौसम में तो ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, ये देखिए एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में काम करने का तो अपना ही मज़ा है। बाकी ये सब भी मैंने, एक तो ये रिपोर्ट कर दिया है और एक ये है, इसमें भी मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए हैं। इसमें ये मदर प्लांट है, इसका मैंने ये निकाले हैं, दूसरे में लगा दूँगी। और अभी और भी निकल रहे हैं, सारी मेज पूरा छत एकदम हो रहा है ख़राब। तो देखिए मैंने कर दी है क्लीनिंग, बिल्कुल पूरी छत एकदम साफ़ कर दी है, सारी मिट्टी विट्टी सब उठा दी है। और जो मैंने कैना लिली के प्लांट्स रिपोर्ट करे हैं वो सब 3 थे, उसको मैंने 4 बना दिया। एक केरा, एक केरा, एक ये और एक ये। और ये अभी थोड़े से लैगी हो रहे हैं, गिरे गिरे से हो रहे हैं, क्योंकि अभी इनको सेट होने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। अगर बारिश हो गई तो जल्दी सेट हो जाएंगे, बाकी 1 हफ्ते टाइम तो इनको लेते हैं ये रिपोर्ट के बाद, क्योंकि मैंने इसकी सारी जड़ें काट दी हैं। बहुत ही मतलब जड़ें इतनी हो रही थी कि मिट्टी तो थी ही नहीं, सब मिट्टी ख़त्म ही हो गई थी लगभग, और बस ऊपर जो मिट्टी थी बस वो थी, बाकी जड़ें रह गई थी। और अब ये ऐसे हो रहे हैं, थोड़े सेट हो जाते हैं, फिर बढ़िया लगेंगे और फिर फूल भी आएंगे। इसमें एक तो एक्चुअली फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी, सिर्फ एक ही कहाँ गया उसको मैंने, हाँ ये रहा, ये रहा, ये एक ही फ्लावर दिख रहा है, ये रहा, बस एक ही फ्लावर निकला था इसमें, क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं था, जड़े ये रूट बाउंड हो गया था, तो इसमें फ्लावर नहीं, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो बस एक ही होके रह गई। फिर मैं क्या, अब देखते हैं अब क्या बनता है, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। बाकी मिट्टी सबकी सूख रही थी, तो सबकी पत्तियां डाउन हो रही हैं। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये बोगनविला इसकी पत्ती तो बहुत ही जल्दी डाउन हो जाती है। और बाकी ये स्पाइडर लिली, इसको भी मैंने रिपोर्ट करा था, तो इसमें भी कलियाँ आ गई हैं। ये रही, हाँ एक मिनट, वेट वेट बेटा वेट, एक केरी और एक केरी, इसमें तो फूल निकलने भी अब शुरू हो जाएंगे। और बाकी सबको पानी दे दिया है, बारिश तो हुई नहीं तो पाइप से मैंने खुद ही बारिश कर दी, ताकि इनको भी राहत मिल जाए, पौधों को मेरे। और ये ठीक से चल रहे हैं, क्योंकि अभी जुलाई का महीना है यार, बहुत गर्मी है, जुलाई में अच्छी खासी गर्मी होती है। बारिश को भी हुए हुए पूरा आज 1 हफ्ता हो गया है, लास्ट सैटरडे हुई थी और आज सैटरडे है। और अभी कुछ प्लांट्स मैंने अपने दूसरे टेरेस पर रखे हुए हैं, क्योंकि उनको मैंने रिपोर्ट किया था, कुछ न्यू प्लांट लगाए थे, तो उसको मैंने वहाँ छाँव में रख दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूँगी, यहाँ पर बिल्कुल छाए कुछ का सिस्टम नहीं है। ग्रीन नेट था वो मैंने सारा हटा दिया है और अब कुछ नहीं है, तो उसे मैंने उधर शेड में रख दिया है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस में ना आ जाए वो पौधे, और आराम से अपनी मिट्टी में सेट हो जाए। और ये देखिए मेरा मेहंदी का प्लांट। ओके, इसी वीडियो के साथ मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।